कन्नौज में डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई। बड़ी खबर, कन्नौज से बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि बस में लगभग 40 से 50 लोग सवार थे। बता दें कि ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ। बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस में लगभग 40 से 50 लोग सवार थे। ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तालाग्राम थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की घटना, जहां पर डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई। बस में लगभग 40 से 50 लोग मौजूद थे, ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि बस में 40 से 50 लोग सवार थे। ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कन्नौज से जहां पर डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई। बता दें कि बस में लगभग 40 से 50 लोग सवार थे, ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। तालाग्राम थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की घटना बताई जा रही। बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां पर डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई, बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा गया है। बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोग बस में सवार थे, ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। कन्नौज से बड़ी खबर, डिवाइडर से टकराकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें आपको कि ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, बस में लगभग 40 से 50 लोग सवार थे। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।